नमस्कार दोस्तों, यह है मेरे पास सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी F23। दोस्तों, ये एक 5G फ़ोन है। दोस्तों, आपको पता होगा कि ये काफ़ी पुराना मॉडल हो चुका है अब सैमसंग की F सीरीज़ का, लेकिन ये एक 5G मॉडल है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ इसके एक अपडेट के बारे में, जो कि दोस्तों कल ही मैंने इसमें डाउनलोड किया था और उसके बाद इंस्टॉल भी कर लिया। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि सैमसंग की जो F सीरीज़ है वो इतनी पॉपुलर नहीं है, यानी कि इतनी महंगी सीरीज़ नहीं होती है। ये सस्ते बजट फ़ोन आते हैं सीरीज़ में, बट ये एक 5G फ़ोन है जिसमें आपको काफ़ी अच्छी बैटरी मिलती है। तो दोस्तों, इस फ़ोन में एक जो अपडेट आया हुआ है जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने कल ही अपडेट किया था, तो दोस्तों वो है दोस्तों सैमसंग का जो बनी हुई 6 होती है वो वाला, प्लस दोस्तों एंड्रॉयड 14 का अपडेट। ये देखिए, इसमें हमें मिलता है बन UI वर्जन 6.0 और एंड्रॉयड 14 का अपडेट। अब दोस्तों, इसके साइज से ही आप पता ला सकते हो कि ये 3GB का समथिंग का अपडेट है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ देख रहा होगा। ये देखिए, क्विक पैनल वगैरह है, यानी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन वगैरह, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे जो दोस्तों देखने का सिस्टम होता है वो काफ़ी आपको अलग ही डिज़ाइन में देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपको सैमसंग की S सीरीज होती है उसमें देखने को मिलेगा। तो सैमसंग दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात होती है कि वो अपने बजट फ़ोन में भी हमें टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता है। अब दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस अपडेट की कि आपको ये करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, बन UI 6.0 एंड्रॉयड 14। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट आ चुका है तो फटाफट से आप इसे कर लो, क्योंकि आपके फ़ोन में दोस्तों जो लुक है वो पहले से थोड़ा अलग हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो, ये पूरा चेंज हो चुका है क्विक पैनल, और भी दोस्तों काफ़ी इसमें चेंजेस होके आए हैं। तो अगर आपके फ़ोन में अपडेट आया हुआ है तो आप फटाफट से इसे कर लो, और इस अपडेट को करने के बाद आपके फ़ोन में क्या क्या दिक्कत आ रही हैं और क्या क्या अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिले हैं, आप मुझे उसके बारे में नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको इस अपडेट को करने के बाद आपके फ़ोन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या दिक्कत आ रही हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इस अपडेट को करने के बाद आपके फ़ोन में जो बैटरी है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा खर्च होने वाली है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो इस जो फ़ोन है इसके ऊपर वर्क तो अच्छे से करता है, बट वो इतना पावरफुल नहीं है कि एंड्रॉयड 14 और बन UI को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सके। तो आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो पहले के मुताबिक थोड़ी कम चलेगी, बट आपको जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो आप फटाफट से इस अपडेट को कर लो, जिससे दोस्तों आपके फ़ोन में भी वो सारे फीचर आपको देखने को मिल सके जो आपको सैमसंग के काफ़ी महंगे फ़ोनों में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।